हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब। ऑडियो क्वालिटी बढ़िया हो यार, ये शोर हो रहा है, कहीं भागवत हो रही है। मैं अपना ब्लॉग भी नहीं बना पा। ये मैंने क्या बोल दिया? मुस्कुराना मत छोड़िए, टेंशन मत लीजिए, जो कि मैं खुद ही लेती हूँ। मैं क्या आपको ध्यान दे रही हूँ? मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा दुख है जो मैं आज आपको बताऊँ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निकिता यादव और मैं हेम्प स्टेट से बिलोंग करती हूँ और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैंने ब्लॉगिंग आज से स्टार्ट की है ताकि मैं अपनी लाइफ के हर एक लम्हे को कैप्चर कर सकूं और आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों से कनेक्ट हो सकूं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो टाइम एक बार चला गया वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, इसलिए जो टाइम अभी चल रहा है उसे क्यों ना अच्छे से इंजॉय कर लिया जाए। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी ना मिलेगी तो। फ्रेंड्स, मैं अभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। स्टडी की वजह से मुझे फैमिली से दूर यहाँ रहना होता है और मुझे यहाँ कभी कभी बहुत अकेला भी फील होता है। पर कोई नहीं, अब से आप सभी मेरे साथ हैं और आई होप कि मैं आप सभी को एंटरटेन कर पाऊँ, मोटिवेट कर पाऊँ। मेरा ये ब्लॉग मैं हॉस्टल में ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बाहर का वेदर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब करने वाला ही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तो बहुत तेज़ हो रही है और अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी तबीयत ठीक हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि फिर से बीमार हो जाऊँ। इसलिए मैं आपको अभी कोई ऐसा अच्छा सा प्लेस या अच्छा सा व्यू तो दिखा नहीं सकती, पर हाँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हॉस्टल में जो हमारा एक छोटा सा गार्डन है, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ आंटी ने कुछ प्लांट लगाए हुए हैं और जिनको हम भी टाइम टाइम पे पानी देते हैं, आंटी भी पानी देते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि धूप इतने तेज होने की वजह से कुछ प्लांट सूख गए हैं। तो मैं आपको अभी हमारे हॉस्टल का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ बाहर चल के, ठीक है।